भाइयों नमस्कार, मैं आपका अपना विक्रम बिश्नोई। तो आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर फार्मिंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको ज्वार कट करने की मशीन के बारे में बताएंगे जो ट्रैक्टर से चलने वाली है। तो सबसे पहले हम इसकी कटाई देखते हैं, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाई, आप देख सकते हो यह मशीन कितनी बढ़िया तरीके से कटाई कर रही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें आपको इकट्ठी करनी पड़ती है हाथों के द्वारा। फिर से ये एक साइड में इकट्ठी नहीं करती मशीन। तो ये देख सकते हो, ये पुल्ले बना रहे हैं, तो ऐसे आपको पुल्ले बनाने पड़ते हैं, जिससे कि इस मशीन में मेरे को कमी एक यही लगी, सबसे बड़ी कमी। तो पहले हम बात करते हैं भाई ये काम कैसे करती है जी। यह ट्रैक्टर के पीटीओ से चलने वाली मशीन है जी, ये देख सकते हो आप पीटीओ इसका, और ये चैन सिस्टम देंगे और फिर ये ब्लेड लगे हुए हैं अपने, इसके द्वारा ये कट करती है बहुत आसानी से। ये इस ब्लेड की चौड़ाई होगी 4-1 फुट की आराम से। ये घूमती है और ये ब्लेड आगे पीछे होते रहते हैं ऐसे, और ये अपने ज्वार को कट करते हुए चलते हैं। आप देख सकते हो चलते हो मशीन को भी। आपको 60-65 हज़ार रुपये में मिल जाती है बहुत आराम से, लेकिन इसका लेने का इतना ज़्यादा फायदा नहीं है। एक और दूसरी मशीन है, आप उसको ले सकते हो, वो इससे बढ़िया मशीन है। जैसे कि हम गेहूं कट करते हैं तो मशीन को दोबारा अपनी दूसरी साइड ले जाना पड़ता है भाई, वो एक साइड से ही चलेगी, तो उसी हिसाब से यह भी मशीन एक साइड से चलती है। इसको यहाँ से आप, वहाँ से हमने कट की अभी, और वहाँ से हम वापस दोबारा उसी साइड से स्टार्ट करेंगे। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं भाई इसका डीजल खर्चा कितना है। तो इसका डीजल खर्चा है जी 4 लीटर पर एकड़ का जी। अगर आपको, आप इसको आराम से चलाते हैं और बढ़िया शांति से, तो इसका डीजल खर्चा बहुत ही कम है, लेकिन ये है कि आपका जो लेबर से है उससे तो सस्ता ही पड़ता है। अगर ये मशीन कट करती है, अगर आप लेबर से कट, हाथों से कट करवाते हैं, तो किसान भाइयों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें जी। ये देखो जी, उस साइड से अपने पुली ले गए और इस ट्रॉली में लोडिंग कर रहे हैं।